को रिहाई चाहिए, हम लोग उनका रिहाई मांग रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़े, बवाल हो, कुछ भी हो। हम लोग तो उनके परिजन के लोग हैं, ये बच्ची हमारी है, हम लोगों को उनका रिहाई चाहिए, बस चाहिए, रिया चाहिए। तो लड़ाई कौन चाहता है, ये सब तो यही चाह रहे हैं। पुलिस आ रहा है, जितेंद्र बाबू ईगो बना लिए, छोटा सा मामला था, वो मामला कोई बड़ा तो नहीं था। क्या कैसा ईगो बना लिए कि मानते हैं कि लुकिंग ग्लास से किसी यात्री को केहनी में लग गया, तो हम लोग उसको इलाज कराने के लिए तैयार थे, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे। वो गए और कहते हैं कि थाना में गाड़ी ले चलो। रास्ते में परीक्षा का टाइम हो गया था, बच्ची सबको एंट्री करना था, वहाँ मौजूद थे और ब्रेक लेकर के साइड में बच्ची सबको उतार रहे थे, तो कौन बड़ा गुनाह कर दिए। वहाँ आए और बोल रहे हैं कि जो हम तुमको कहे थाना में गाड़ी लगाने के लिए यहाँ क्यों लगा दिया, और मारना पीटना शुरू कर दिए। क्या इसका कोई जरूरी था? ओवरलोड ट्रक जा रहा है, उलट जा रहा है, घर में लोग के घुस रहा है, 10-10 लोग मर रहा है, कौन मालिक ऑनर जा रहा है, गाड़ी ऑनर जेल जा रहा है, किसके साथ ऐसा बात कह रहे हैं? बोले थे गाड़ी थाना में ले जाने के लिए, नहीं ले, ब्रेक ले लिया। तो बोले कि नहीं, हम अपने परिवार को, अपने पत्नी को एंट्री करा देते हैं, स्कूल के भीतर कर देते हैं गेट भीतर, और उसके बाद थाना में ले चलते हैं। इतना ही पर मारना शुरू कर दिए। अच्छा, सेंटर जो था जहाँ पे बच्चियों का पेपर था, वही की घटना। और लक्ष्मीपुर में एक्सीडेंट हुआ, वो यात्री को ठोकर लगा, यहाँ से गाड़ी लेकर के थाने में जा रहे थे, तब तक 1:40 हो गया, 5 मिनट समय था। वह कहे कि इसको उतार देते हैं, एंट्री करा देते हैं, थाना में गाड़ी ले चलते हैं। तब तक जितेंद्र बाबू घूम के आए और कहने लगे, अरे हम तुमको कहे थे थाने में लगाने के लिए, यहाँ रोक दिया और मारना पीटना शुरू कर दिए, घसटना शुरू कर दिए। वीडियो वायरल है, उस पर देखिए। तो मार क्यों रहे थे ये नहीं समझ में, जे काहे यहाँ रोक दिया, हम थाना में कहे थे रोकने के लिए, यहाँ क्यों रुक दिया, इसलिए मारने, बस इतना ही पर हम पैर पकड़ रहे हैं। ये रहे थे कि गुंडागर्दी दिखा रहे थे, पुलिसिया गुंडे थे, अपना वर्दी का चापसी दिखा रहे थे, जे हम बहुत बड़ा वायरल है बाबू, उसमें देखा जाए, हम उनका पैर पकड़ रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, जे इस आप लोग देख रहे हैं एक आर्मी के साथ ऐसा जुर्म हो रहा है, तो कहते हैं तुम आर्मी को के उसका जोश बढ़ा रहा है। हम नहीं जाने कि सुनील जी मीडिया है, चिल्ला रहे थे वहाँ, दौड़ कर आए, अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिए, तो उनको भी वो धमकी दे रहा है, दिखा रहे तू वीडियो बना रहा है, ऐसे ऐसे दिला रहे थे, आ खाली उस जवान के पीछे था, इमलोशन पर मार रहे थे, हम उनका पैर पकड़ रहे हैं। अच्छा, जो लड़कियां हैं, ये जो लड़कियां इन लोगों के साथ भी बदतमीजी की, बहुत गाली गुप्ता, सब बचाने गई अपने पति को, गेट तर मामला जब शुरू किए वो तो बचाने गई, तो इन लोगों का आई कार्ड वगैरह सब छीन लिए थे, पब्लिक सब लेकर के सबको दिया और गेट के भीतर एंट्री किया। चीना लोग, चीने की पुलिस, चीना लोग कहाँ से, लोग तो बचा रहा था, माल जल जैसा ढा रहा था, हमको ढकेल रहा था, गाली दे रहा था, हम पैर पकड़ रहे थे, हमारे बच्ची को बंदर जैसा इसे झटकार रहा था लोग। तो इतनी गुंडाई कर रहे थे, क्या लग रहा है? जो हम कहे थे थाना में गाड़ी लगाने के लिए, तुम यहाँ क्यों लगा दिया, बस इतना ही गलती है, दूसरा कोई गलती नहीं है। वो अपना प्रतिष्ठा बना लिए कि हम आदेश दिए थे थाने में लगाने के लिए, अब बस थाना से करीब 5 कदम पीछे वो गाड़ी लगाए थे। अभी चलकर नापा जाए कि नागा चौक जो है वो हाई स्कूल के बाउंड्री के निकट है, मगर वहाँ तक हाई स्कूल हजारीमल का बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के कोन पर थोड़ा सा फैली था, गेट पर जाम था, साइड करके वो रोक दिया, गुनाह तो यही किए। वो आजादी थाना में ले जा करके गाड़ी लगा देते, इन लोगों का परीक्षा छूट जाता, नहीं होता उससे वो खुश थे, उनका बात रह जाता, वो अपने बात को स्वाभिमान बना लिए कि हम कहे थाना में लगाने के लिए, यहाँ काहे लगा दिया, बोलिए इसमें क्या बात, इसको वो ईगो बना लिए और कांप रहे थे। हम लोग छोड़ाने जा रहे थे तो हमको माँ बहन का भी गाली दे रहे थे, थाना में से हमको धाका दे करके निकाल दिए। ये जो आरोप लगा रही है, दुपट्टा खींचा गया, हाँ सब कुछ झटकर, जितेंद्र सिंह और उनके साथ जो सिपाही लोग था, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि जो आरोप नहीं, ऐसे अब जो बचाने मानते हैं कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारी यहाँ बच्ची है, तो हमको बचाने नहीं जाएगी, रोकने नहीं जाएगी, तो उसको ढकेला जा रहा था, उसका कपड़ा धकर खींचा जा रहा था, हाथ धकर के झटकारा जा रहा था, हम चिल्ला रहे थे, उसके पति के साथ ऐसा बदसलूकी हो रहा था, तो क्या वो सब साथे थी तो बचाने नहीं जाएगी? वो अभी बच्ची थी, उसके साथ अभी बच्ची थी। दुपट्टा किसका खींचा गया था? दुपट्टा किसका दुपट्टा खींचा? इनका दुपट्टा खींचा गया था, और हम स्वेटर पहने हुए थे तो कॉलर था कि स्वेटर खींच लिया गया, और दुर्गा जी पहने हुए थे सोने के चैन में, वो खींच लिया गया, और जितेंद्र सर गाली दे रहे थे। अब हम अच्छे से याद है आप लोगों को कि खाकी वर्दी जो पहने इंसान थे वही जी, ये सही जितेंद्र सिंह, छोटे बच्चे नहीं ना जो हम भूल सकते हैं।
अब हम लोगों को ना कुछ कहना है ना सुना, बस राधा मोहन गिरी रिहा हो और जितेंद्र सिंह को साजा मिले, बस इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं कहना है ना सुना। ना कह तो रहे कि ऐसा काम कर रहे थे उस जवान के साथ जो अभी तक इतने उम्र में हम किसी अपराधी के साथ नहीं देखे, उतना बदसलूकी। वो अपने पावर के गरिमा से वो इस पर और क्रोधित हो गए कि वो काहे कह दिया कि हम आर्मी का जवान है, काहे कह दिया जो आर्मी का जवान, हमको कह रहे देखा रहे, तुम कह रहा है जो आर्मी का जवान है उसका हौसला बढ़ा रहा है, उसका मनोबल बढ़ा रहा है, वो शराब पीकर मस्त होगा तब ना इतना एक आर्मी का जवान के जो मांडली बिहार में बंद है साहब, बिहार पुलिस वाला के लिए थोड़े बंद है, वहाँ मिलता है शराब कहाँ बंद है मैम, आम जनता के लिए है, पुलिस प्रशासन वाला के लिए नहीं बंद है। कौन सी थाना है जहाँ पे दारू नहीं बिकता है आप हमको बताइए? पूरे बिहार थाने में बिकता है, बिहार थाने के क्षेत्र में जितने थाने क्षेत्र आते हैं और कहाँ दारू नहीं बिकता है, हर जगह दारू बिकता है लेकिन कोई प्रशासन कोई थाना प्रभारी पीते हैं, थाना में पानी धो देते हैं, दारू ले जाके बेच लेते हैं, क्या हम लोग नहीं जानते हैं? कोई थाना प्रभारी को इतना हिम्मत नहीं जो दारू बेचता है उसके पास जाके उसका उसको उसको पकड़ के उसको अंदर ले, लेकिन क्योंकि हर सप्ताह वहाँ पे गड्डी के गड्डी पहुँचता है और उन लोग का हफ्ता पहुँचता है, लेकिन उसके लिए प्रशासन को प्रशासन दोषी नहीं है और एक आम नागरिक के लिए प्रशासन है जो उसी समय दारू पी लिया होगा इसलिए एक आर्मी को जवान को सम्मान करना नहीं वो भूल गया। और बात एक आर्मी के जवान की भी नहीं है, बात एक आम इंसान की है कि खाकी वर्दी पहन के थप्पड़ काहे मारे, वर्दी उतार के आए जितेंद्र जी और हम बताते हैं हम आम आदमी का अधिकार कितना होता है, परियाले हमसे आके सबसे बड़ा बात है पता है मैम, आजकल के जो बच्चे जो खिलौने से खेल रहे हैं खिलौने क्या पता है, भगत सिंह वाले गांधीवादी हम नहीं बनेंगे, हम लोग भगत सिंह बनेंगे, गांधीवादी बनने वाली बात कही, बच्चे को दूसरा खिलौना नहीं मिल रहा है वो भी खेल रहे हैं दारू के बोतल से खेल रहे हैं, दूसरा पर रिकॉर्ड है जो मोतिहारी टाउन थाना से गए हैं साल भर लाइन में रह करके उनके ऊपर दो किता केस है, जितेंद्र बाबू जहाँ जहाँ जाते हैं कोटवा से भी है, जितेंद्र सिंह कुमार लिखते हैं वो जहाँ जहाँ जिस भी थाने में गए हैं, बदतमीज दरोगा है जितेंद्र जी, बस हम इतना कहना चाहेंगे। आप लोगों के क्षेत्र में इतने असंवैधानिक आदमी को आप लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे थे? कभी परिचय दिया है, अब हम भगत सिंह बनने का परिचय देंगे, वो जितेंद्र सिंह आए और जितेंद्र सिंह आए और वर्दी खोल के आए और उसी तरह दौड़ा के हम नहीं मारे ना, हमारे उसी दिन से हम चिल्ला रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बेटी खाना नहीं खा रही, उनकी माँ मर रही है, हम मर रहे हैं, कानून का दरवाजा ठकठका रहे हैं, कहाँ हमको एसपी साहब डीएम साहब ने अभी तक दिया है, क्या कानून है कहाँ? आप दारू बंद किए सिर्फ कागजी कार्रवाई में, लेकिन कौन से जगह है जहाँ बिहार में दारू नहीं मिलता है बताइए? अभी कुछ दिन पहले अनिकेत रंजन का वीडियो वायरल होता, एसपी ऑफिस के सामने नाले में 100 नहीं 200 बोतल के पड़े हुए थे नाले में, हमारे एसपी महोदय कहाँ है? संज्ञान नहीं लिया गया यहाँ के पदाधिकारियों का, तो इसे कहेंगे उनके उच्च पदाधिकारी से कहेंगे, उनके उच्च पदाधिकारी से कह रहे हैं कहाँ सुन रहे हैं, नाले जो लिख दिए हैं गलत, राधा मोहन जी किस कर सरकारी कार्य में बाधा किए हैं उसका कोई प्रूफ है? जितेंद्र सिंह के साथ मारपीट किए उनका कोई इंजुरी है? वीडियो वायरल है, मगर जितेंद्र सिंह मार रहे हैं घसट रहे हैं उनके साथ जवान घसट रहा है मार रहा है उसका वीडियो वायरल है, जितेंद्र बाबू गाली उसको माँ को दिए उसका वीडियो वायरल है, हम पैर पकड़ रहे हैं आरजू कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चे के बदले हम पैर पकड़ रहे हैं, उनकी पत्नी पकड़ रही है, 3 दिन हो गया क्या लग रहा है कार्रवाई ठीक तरीके से हो रही है? आश्वासन दिया जा रहा है डेली आज छोड़ दिया जाएगा कल छोड़ दिया जाएगा, रात भी हम लोग एसपी साहब से मिलने गए तो कहे कि हम अपने अथी को भेज रहे हैं इंस्पेक्टर, आपसे मिलने भी तो कोई कोई लोग आए थे क्या बोल के गए? बोल के गए कि ठीक है हम लोगों को टाइम दीजिए कल हम रिहा कर देंगे, वो तो परसों कहे कि 24 घंटा का हमको टाइम चाहिए, अब 48 घंटा पुगने जा रहा है, अभी तक हमको कहाँ रिहाई हुआ, हमारे बच्चे को कहाँ मिला रिहाई करने? रिहाई यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, इसका टोटल जिम्मेवार उच्च पदाधिकारी होंगे, इसलिए कि उनको मैसेज सूचना दे करके और हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं अंजल नहीं खा रहे हैं, जब हमारी बच्ची नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, उसका पति नहीं रहेंगे तो वो कैसे रहेगी, अभी तक क्या सुनवाई हो रहा है? रोज हमको आश्वासन दिया जा रहा है 10 बजे रात तक थाना कल में। तो आप लोग लौट गए थे आज क्या लग रहा है आज रुकेंगे कि आज भी? आज इंस्पेक्टर साहब रक्सौल टाउन थाना इंस्पेक्टर साहब से हमको फोन से बात हुआ है, वो कहे हैं कि ठीक है आपको न्याय मिलेगा आपको दिया जाएगा, हम लोग वार्ता कर रहे हैं अभी सुन रहे हैं कोई आके कह रहा है कि नहीं अब बेल फाइल होगा
और कल सुनवाई होगा तो कल सुबह तक निकल जाएगा। आज कोई वकील मर गया है, कोर्ट बंद है, तो कोई जाइबे नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? ऐसा ही हमको बहलाया जा रहा है। ये प्रशासन पे दबाव बनाने से होगा भी नहीं, मैटर तो कोर्ट में चला गया। अरे कोर्ट में चला गया है तो एसपी साहब तो चाहे तो अपने स्तर से उसको फाइनल कर सकते हैं, या जब कुछ जान गए, वीडियो वायरल देख रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं। थाने वालों के हाथ में कुछ रहा ही नहीं ना, वो तो कोर्ट में। अरे थाने वाले लिख के देने के लिए दे दिए गलत केस, मगर उनको निपटाने के लिए और उड़वाने के लिए फाइल तो आगे बढ़ गई ना, फाइल आगे बढ़। अरे थाने वाले के हाथ में नहीं है तो एसपी साहब के तो हाथ में है। एसपी साहब तो अपने स्तर से उसको फाइनल कर सकते हैं, जान सकते हैं। हम यह कहते हैं जो दोनों पुत्र उनका ही है, कोई देश के लिए है, कोई बिहार के लिए है, वो अपने स्तर से उसका रिहा करें, दोनों को बुलावे और जो दोषी हो उसको दंडित करें। हम यही कहना चाहते हैं, दूसरा क्या? आज हम लोग चौक पर बैठकर गर्दा खा रहे हैं, रो रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, क्या सर या नहीं देख रहे हैं? अगर माता जी हैं जो लगातार रो रही हैं, रो रही है, उनकी तबीयत बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार वो होंगे जितेंद्र सिंह और यहाँ के पदाधिकारी जो लोग देख रहे हैं? अभी तो जिला के पदाधिकारी हाजिर कर दिया गया, कुछ नहीं बर्खास्त, लाइन हाजिर से कुछ नहीं बर्खास्त। थाने में एसपी साहब अपने पास बुला करके और थाने में रह करके सच्चाई नहीं जान सकते थे कि राधा मोहन जी को एक देशभक्त को घिसिया कर पीटा गया और जेल में रखा गया है? क्या उनको बाहर करके इंजाम नहीं दिया सकता है और निरीक्षण नहीं कर सकते हैं? वो अपने कलम से उसको फाइनल नहीं कर सकते हैं? वो तो जॉब चाहे तब ले सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं बता रही हूँ, कह रहे हैं बवाल बहुत बढ़ गया था तो इसीलिए इनको अलग बुलाया जा रहा था, थाने में आने के लिए कहा जा रहा था, वो नहीं आ रहे थे तो इसलिए सुनिए बकझक नहीं हुआ। सुनिए मैम, पूछिए अभी सर से पूछिए, जे चल गया कोर्ट में चल गया, तो जब कोर्ट में चल गया कल इंस्पेक्टर साहब खुद आकर बोले हैं, जब एसपी साहब के हाथ में नहीं है तो इंस्पेक्टर साहब कल आकर कैसे बोले जे कल हर हाल में बेल होगा, हम आप लोग के साथ में एक नंबर रहेंगे? कल इंस्पेक्टर साहब खुद आकर बोले हैं, आने के लिए बोले होंगे? नहीं देखिए, के लिए नहीं बोले हैं, जो हर हाल में कल राधा मोहन सर का रिहाई होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे, हम दिन भर आप लोग के साथ रहे, जबकि अभी तक ले आए भी नहीं। नियम है एसपी साहब अभी लिख करके दे तो क्या अपने कोठी पर उस जवान को नहीं रख सकते हैं? है? अपने पास उसको नहीं हो, देश के लिए मरता है उनके लिए हट जाएगा? वो खाली अपने पुलिस का लिखावट के तरफ जा रहे हैं, साझा हो जाता है, उसको भी निकाल लिया जाता है, पांच रो दस रो भी जो अनंत मोहन सिंह पाल सिंह को देखिए अभी रिमांड पे निकाल, सदर हॉस्पिटल में उसको ले आकर के दो दिन एक दिन नहीं रखा जा सकता है, चेक नहीं कराया जा सकता है? एसपी साहब के पास कोई जगह है नहीं है जेल छोड़ करके, और जितेंद्र बाबू को लाइन में ला दिए हैं, मारो हवा खा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना ऐशो आराम मना रहे हैं, आज जो देश का जवान है जिसके लिए देश के लिए जो मरता है। लाइन हाजिर होना ये सजा नहीं है, लाइन हाजिर होना सजा नहीं ना है? छह माह के बाद तो उसको फिर नौकरी मिल जाएगी ना, और सच्चाई जान करके उनको ऊपर भी एफआईआर करे, जय दिन आर्मी मैन जेल में है तय दिन उनको भी रखे, तब ना उचित न्याय होगा, जेल जाना चाहिए। हम लोग का मांग है कि राधा मोहन जी बाहर आवे और जितेंद्र सिंह जेल जाए। ये जो जो लड़कियां जो आरोप लगा रही थी कि उनके साथ बदतमीजी हुआ है, उस पे कोई जांच वगैरह हुआ? बदतमीजी बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं लिए गए तो उनका थाना नहीं लिया? हम लोग महिला थाना में 12 बजे रात के आए तो महिला जो बड़ा बाबू है जो वहाँ के अफसर है वो बोल रही है कि हम पटना एगो आवेदन लिख कर देकर चले जाइए। आज किस दिन की बात है, किस दिन की बात है? जब 21 तारीख के रात में 10 बजे तक हम लोगों को हमारे बच्ची को कहा गया कि रोड भीड़ हटाइए, प्रदर्शन। आवेदन के आगे की कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं, आवेदन के आगे की कार्रवाई हुआ कि हमको जेल से छुड़ाना था तो हम वकील रखे, बेल पिटीशन लिखवाए, एसटीजी हम रक्सौल के, महिला थाना में जाके महिलाओं के साथ जो स्वीकृत नहीं किया कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, एसपी साहब को हम आवेदन दिए हैं, बाई पोस्ट किए हैं, हाथों हाथ हमारी बेटी और हम दो दिन बैठे हैं लेकर के।